कोरोना की इस संकट की घड़ी में कोविड मरीजों की सेवा के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं। मंडी में नेरचौक के लोगों ने भी मिलकर एक अनुकरणीय पहल करते हुए कोरोना मरीजों और उनके परिजनों की सेवा के लिए भोजन की व्यवस्था की है। फूड प्लाजा के जरिए कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को निशुल्क भोजन, दवाइयां, बिस्तर, दूध व काढ़ा जैसी जरूरी चीजें मुफ्त दी जा रही हैं। दवा है, मैं खाना लेते आता, बहुत आदमी बिना खाने से इनसे खाना मांगते तो खाना नहीं था, तो फिर अपने भाई एन एच ओ के इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बोला हमें खाना देंगे, तो हमने आज शुरू कर दिया है खाना सब कुछ, दवाई हर एक चीज देना शुरू कर दिया। तो सर ये तो जब तक चला है कोविड चला है और जो ज़रूरतमंद है, तो हम तो चाहते हैं कि और भी जुड़े इसके साथ और हम करें सब मिलके, जब तक होगा तो हम करेंगे सर। उधर कांगड़ा में भी एक परिवार ने कोरोना मरीजों के तीमारदारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। विनय गुप्ता और उनके परिजन सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता तैयार करते हैं और वे हर रोज टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों के तीमारदारों के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं। इस कार्य में विनय गुप्ता की पत्नी, माँ और बेटा हर रोज 100 से अधिक लोगों के लिए नाश्ता तैयार करते हैं और इसका सारा खर्च वे खुद वहन करते हैं। मैं सवेरे 3:30 बजे उठ के 4 बजे नहा के तैयार होके ये हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर मैं, मेरे धर्मपत्नी और मेरा बेटा, हम इसके लिए जुट जाते हैं। हमने 55 लोगों से शुरू ये काम किया था, आज इसकी संख्या 100 में पहुंच गई है। 100 लोगों का हम रोज सवेरे भोजन बनाते हैं और इस काम में सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रोटरी क्लब कांगड़ा के सदस्यों द्वारा ये मेरे को हेल्प की जाती है। पहले मेरे हस्बैंड ने कहीं से इनको वो मैसेज आया कि 5 लोगों का खाना देना है शाम को, फिर 5 लोगों का खाना जब मैंने बोला तो सुबह कहाँ से खा रहे हैं वो, तो मन में ही कुछ वो आया कि जो लोग शाम को बेचारे भूखे, सुबह से लेके शाम तक भूखे हैं और इनको सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा। शाम तो चलो फिर भी कट जाती है, पर सुबह से ही इंसान अगर थोड़ी एनर्जी होगी तो थोड़ा मन में ऐसे आया कि नहीं सुबह का भोजन हम शुरू कर देते हैं। हम जो कोविड पेशेंट्स आए हैं टांडा में, हम उनके अटेंडेंस की खाने पानी की व्यवस्था करते हैं और इस काम को करने में हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है अंदर से, हम सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। तीमारदारों ने इस मदद के लिए गुप्ता परिवार का आभार जताया है। मेरी माताजी यहाँ पे एडमिट हैं और वो पिछले कल ही यहाँ पे आई हुई हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये मुझे खाना जो है अभी सेवा भारती की ओर से दिया जा रहा है, तो इससे मुझे क्या हो रहा है कि मेरी फाइनेंशियल हेल्प जो है हो जा रही है, इससे मेरा पैसा भी बच रहा है ना, और चलो इससे मैं अपने मदर के की देखभाल भी कर सकता हूँ और ज़्यादा। 18 डेज से हम यहीं पे हैं और यहाँ पे हमें खाना सुबह नाश्ता प्रोवाइड करवाया जाता है, शाम को भी दिया जाता है 5:45 बजे, बस बढ़िया खाना होता है, अच्छा होता है, काफ़ी मदद मिल रही है ऐसे यहाँ पे। साधन संपन्न होने के बावजूद कोरोना महामारी के इस दौर में सभी को एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है और समाज में अनेक लोग व संगठन इस दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। DD News के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।